मेरे को यहाँ पे आए हुए आते हुए 10 साल हो गए हैं, और आप आइए, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है चिकन की, और क्रीम जो यूज़ करते हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी यूज़ होती है इसकी। हम राहुल है, फूड इनका काफ़ी अच्छा है, हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे रेगुलर कस्टमर हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का तंदूरी जायका के इस फ्रेश एपिसोड में। सो दोस्तों, आज हम कहाँ आए हैं? आज हम आए एक ऐसी जगह पे जहाँ मिलता है बेहतरीन जायका, और यहाँ पे मिलते हैं बेहतरीन नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन फूड आइटम। सो दोस्तों, मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने ये जगह रिकमेंड की थी, उन्होंने बताया था यहाँ पे बहुत ही अच्छा तंदूरी चिकन और बटर चिकन मिलता है, जो यहाँ का एक सिग्नेचर फूड आइटम है। तो चलिए, हम भी आए हैं यहाँ का सिग्नेचर फूड आइटम टेस्ट करने, और मैं आपको ले चलूँगा यहाँ के जायका दिखाने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जायका, और देखते हैं कैसा यहाँ का जायका, कैसा यहाँ का टेस्ट, और कैसा यहाँ का तंदूरी चिकन और बटर चिकन। तो चलिए मेरे साथ, और हाँ दोस्तों, वीडियो पे अंत तक बनी रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनेगी ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जायका। Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken, space tree flying through the skies and petals happen everywhere. तो दोस्तों, यहाँ आने के लिए आपको आना पड़ेगा सेक्टर 5 द्वारका न्यू दिल्ली, और यहाँ पर है BGS इंटरनेशनल स्कूल। BGS इंटरनेशनल स्कूल के पास आपको दिखेगी, ये देखिए, ये है शॉप, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, और देखिए कितने अच्छे अच्छे आइटम, कितने अच्छे अच्छे फूड यहाँ पे सर्व किए जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, और मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ का जायका कैसा है। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं यहाँ के ऑनर साहब से। सबसे पहले मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, इन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया, और तंदूरी जायका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह। मिस्टर सिंह, बताएंगे इस रेस्टोरेंट के बारे में। रेस्टोरेंट सबसे मुझे हो गए 33 साल काम शुरू किए हुए, 88 में मैंने रोहिणी में शुरू किया था ये। रोहिणी से शुरू करते करते फिर वहाँ 15 साल चलाया मैंने, फिर वहाँ से मैं शिफ्ट हुआ यहाँ द्वारका में। द्वारका में 20-25 साल हो गए मुझे यहाँ पे भी। 20-25 साल हो गए इधर आपको इस रेस्टोरेंट में। तो चौक पे था पहले, शक्ति चौक पे। हाँ, शक्ति चौक में मेरा काउंटर लगता था, फिर मैं वहाँ से शिफ्ट होकर फिर यहाँ पे आऊँ, यहाँ 10 साल हो गए मुझे। ओके, 10 साल इस रेस्टोरेंट को यहाँ पर हो गए। तो आप बताएंगे यहाँ का कोई सिग्नेचर फूड आइटम जो आप, मैं लोगों को रिकमेंड कर सकूँ अपने चैनल के माध्यम से? यहाँ पे चिकन मलाई टिक्का, फिश टिक्का, फिश सुरमई हम यूज़ करते हैं, चिकन टिक्का, मतलब यहाँ पे जो भी आइटम लोगे आपको एक नंबर की बढ़िया मिलेगी। देखिए, एक नंबर की बढ़िया मिलेंगे। तो कहते हैं सरदार जी के यहाँ से अगर कुछ आइटम खाना है तो एक नंबर बढ़िया ही देते हैं, क्योंकि इससे पहले वाला भी ब्लॉग मैंने बताया था, तो वहाँ पे भी सरदार जी ने बोला था, सरदार जी की शॉप में अगर आप आओगे तो आपको बेहतरीन ही आइटम मिलेगा, और प्योर आइटम मिलेगा, कोई मिक्स आइटम नहीं मिलेगा। सुरमई तो सुरमई मिलेगी, सुरमई मिलेगी। यहाँ पे तंदूरी चिकन है वो 380 का फुल, हाफ 220 का है, चिकन टिक्का है 220 का, मलाई टिक्का है 240 का, फिश टिक्का है 300 का, और चिकन कबाब, मटन कबाब 100 रुपीज़ प्लेट है। मेरे को यहाँ पे आए हुए आते हुए 10 साल हो गए हैं। मैं यहाँ पे पहले इनकी दुकान पीछे हुआ करती थी, और अब इन्होंने यहाँ ले लिया है, और यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी, फ़िश टिक्का मिलेगा, तंदूरी फ़िश टिक्का, तंदूरी चिकन, बेसिकली मैं जो खाता हूँ वो तंदूरी चिकन ही खाता हूँ, और उसमें तंदूरी चिकन में भी अलग अलग वैरायटी में बना देंगे, अफ़गानी चिकन या विदाउट बटर भी बना देते हैं, बॉयल्ड चिकन भी होता है, तंदूरी मोमोज़ भी होते हैं यहाँ पे। हाँ, और आप आइए, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है चिकन की, और क्रीम जो यूज़ करते हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी यूज़ होती है इसकी। तो कोई फूड रिकमेंड कीजिए, मैं सिग्नेचर फूड आइटम अफगानी चिकन, अफगानी चिकन बेस्ट, अफगानी चिकन वेरी नाइस। और प्राइस कैसा है? प्राइस भी बहुत रीजनेबल प्राइस है, बहुत रीजनेबल है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। साफ सफाई कैसी लगती है? बहुत क्लीनिंग में एकदम, आप देखेंगे किचन दिखा दीजिए, किचन इनकी बहुत साफ रहती है, पहले भी साफ थी जो इस साइड था, और यहाँ पे भी ही साफ है। Thank you.
फूड इनका काफ़ी अच्छा है, हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे रेगुलर कस्टमर हैं। और कोई सिग्नेचर फूड आइटम जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो? इनके कबाब काफ़ी अच्छे हैं और मलाई टिक्का भी अच्छा है, मलाई टिक्का, चिकन मलाई टिक्का। और साफ़ सफाई कैसी लगती है आपको? नहीं, काफ़ी अच्छी है, साफ़ सफाई में तो कोई कंप्लेंट नहीं, प्राइस भी बहुत जेन्युइन है, कोई ऐसे नहीं। बजट में है, काफ़ी हाइजीनिक है और हम तो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे, रेगुलर कस्टमर्स ही हैं इनके। हरियाली विंग्स। और प्राइस कैसे है? प्राइस काफ़ी सही है, मतलब हम तो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, काफ़ी काफ़ी सही है। चलिए शुरू करते हैं आज का जायका। ये देखिए मैंने काफ़ी सारे आइटम ऑर्डर कर दिए हैं, जिसमें ये देखिए लेग चिकन लेग पीस है, चिकन विंग्स है, मलाई चिकन विंग्स है, देखिए चिकन विंग्स, चिकन रोल, सीख कबाब, और ये देखिए मलाई टिक्का, काफ़ी लजीज नज़र आ रहा है देखने में, और ये है चिकन टिक्का, ये देखिए ये है चिकन मलाई टिक्का, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा पक रखा है, गर्मा गर्म है, इसको मैं ट्राई करता हूँ चटनी के साथ। दोस्तों मुंह में जाके खुल गया है, इतना सॉफ्ट है, इतना अच्छा तरीके से बनाया गया है, चिकन की क्वालिटी जो है वो भी बहुत अच्छी है, मसालों का इसमें यूज़ किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है, काफ़ी सॉफ्ट है, मलाई का भी एक अलग जायका आ रहा है, चिकन का एक अलग टेस्ट आ रहा है जो मुंह में जाके ही घुल गया है, तो बहुत मज़ेदार है, बहुत लजीज है, इसको तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आप इसको ज़रूर ऑर्डर करें। ये देखिए दोस्तों ये है यहाँ के चिकन लेग पीस, ये देखिए साइज ऑफ चिकन ऑसम, और ये देखिए कितने अच्छे से पकाया गया है, तंदूरी चिकन, ये देखिए चिकन लेग पीस है, तंदूरी चिकन लेग पीस, क्वालिटी ऑफ चिकन वेरी गुड। तो तंदूरी लेग पीस मेरी तरफ से 8 out of 10। ये देखिए दोस्तों ये यहाँ की है मशहूर लच्छा पराठा, ये देखिए ये है लच्छा पराठा। अब शुरू करते हैं चिकन, ये देखिए चिकन रोल से, इसको तो चटनी के साथ ही खाया जाता है और प्याज के साथ, तो देखते हैं जायका कैसा है। बहुत स्पाइसी है, जो अंदर सीख कबाब यूज़ किया गया है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, स्पाइसी है, रुमाली रोटी के साथ जो इसका जायका आ रहा है बहुत ही मज़ेदार है। चिकन रुमाली रोल मेरी तरफ से थम्स अप। ये देखिए दोस्तों ये है चिकन टिक्का, क्वालिटी ऑफ चिकन टिक्का वेरी गुड, जो इसको पकाया गया है बटर के साथ वो भी बहुत अच्छे से पकाया गया है, प्रॉपरली कुक्ड है, कहीं से भी हाफ कुक नहीं है, क्वालिटी ऑफ चिकन वेरी गुड, जो खुशबू है जो अरोमा है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, जायका भी देखते हैं, काफ़ी सॉफ्ट है, जो तंदूरी का जो जायका आता है, जो टेस्ट आता है, जो मसालों का जो जायका है वो मैं फील कर रहा हूँ, स्पाइसी है, थम्स अप फॉर दिस। चिकन मलाई विंग्स बहुत अच्छा टेक्सचर दिख रहा है और काफ़ी अच्छे से पका भी गया है, अरोमा काफ़ी अच्छा आ रहा है, देखिए देखते हैं जायका कैसा है।
काफ़ी मलाईदार, काफ़ी मज़ा आ गया, बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही अच्छा जायका आ रहा है, मलाई का एक अच्छा टेस्ट आ रहा है, चिकन काफ़ी सॉफ्ट है। जो इनका चिकन मलाई टिक्का है और चिकन मलाई विंग्स है ना, उसको तो मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जो जिस तरीके से इसको पकाया गया है, जिस तरीके से इसको बनाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, काफ़ी अच्छे से कुक किया गया है, और जो इसकी सॉफ्टनेस है वो बहुत अच्छी है। यह है चिकन सीख कबाब, काफ़ी स्पाइसी है, बहुत अच्छे से भी इसको बेक किया गया है, टेस्ट बहुत अच्छा है, मसालों का अलग टेस्ट आ रहा है, चिकन का अलग टेस्ट है, बहुत जायकेदार है। थम्स अप फॉर दिस तंदूरी चिकन विंग्स, देखते हैं इसका जायका कैसा है, चटनी के साथ लूँगा मैं। बहुत बढ़िया, आपका सिग्नेचर फूड आइटम जो कि है बटर चिकन, ये देखिए, ये है बटर चिकन, ये देखिए, ये देखिए ग्रेवी, ये देखिए कितनी थिक है, ये देखिए बटर बहुत अच्छे से डाला गया है, क्रीम बहुत, क्रीम का भी जो क्वांटिटी बहुत अच्छी है, क्वार्टर प्लेट में जो क्वांटिटी ऑफ चिकन है बहुत अच्छी है। तो चलिए ट्राई करते हैं, और मैं ट्राई करूँगा लच्छा पराठे के साथ, बटर चिकन का कॉम्बिनेशन जो है वो लच्छा पराठे के साथ ही होता है, तो आप इस कॉम्बिनेशन को ज़रूर ऑर्डर कीजिए, और एक असली और एक ऑथेंटिक जायके को का आनंद आप ज़रूर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, फिंगर लिकिंग टेस्ट, जो ग्रेवी का टेस्ट आता है ना बटर चिकन का, प्रॉपरली वही टेस्ट है। दिल्ली में जो बटर चिकन है वो बहुत ही कम ही अच्छी, जो जायका बटर चिकन होता है दिल्ली में बहुत ही कम ही रेस्टोरेंट में नज़र आता है। इस रेस्टोरेंट में जो जायका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा बटर चिकन का, मैंने काफ़ी बटर चिकन दिल्ली में ट्राई किए हैं, काफ़ी अच्छे हैं कई जगह रेस्टोरेंट्स में, काफ़ी रेस्टोरेंट में कुछ जायका कम है, बट कंपेयर टू दिस बटर चिकन वेरी ऑथेंटिक, वेरी डिलीशियस, बहुत अच्छा है, मैं इसको मार्क्स दूंगा 9 out of 10। दोस्तों फूड मैंने रिव्यू कर लिया है, वाकई में पिशोरी जायका का एक जायका बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही डिलीशियस है, तो मैं आप सब लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूंगा, इस रेस्टोरेंट में आइए, जायके का आनंद लीजिए, क्वालिटी ऑफ फूड वेरी गुड, वेरी रीजनेबल प्राइस, और जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी प्रॉपरली है, फैमिली रेस्टोरेंट है, देखिए फैमिली भी यहाँ पर काफ़ी आ रखी है जो फूड का आनंद ले रही है, बाहर भी लोग आराम से बैठ सकते हैं, आपको कार में भी फूड सर्व कर दिया जाएगा, तो कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पर आपको आने की, आइए यहाँ पे जायके का आनंद लीजिए, और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स से ज़रूर अपडेट कीजिए, और हाँ दोस्तों हमारी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के जायके के सफ़र को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए जायके के साथ, एक नए सफ़र के साथ, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद एंड वंदे मातरम।